नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आईएएस अमनवीर सिंह बैस जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम आईएएस अमनवीर सिंह जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आईएएस बनना कितना चुनौतीपूर्ण है। सर आप विस्तार से बताएं। आईएएस की जो परीक्षा है इसको क्लियर करने के लिए मूल रूप से तीन चरण होते हैं। पहला चरण जो है उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरीज, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो होता है मूल रूप से जीएस से संबंधित होता है और पेपर टू जो है वो मूल रूप से एप्टीट्यूड स्किल्स से संबंधित होता है, जिसमें गणित के सवाल भी आते हैं, निबंध वगैरह से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। मोटा मोटा अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो यदि 6 से 7 लाख व्यक्ति प्रीलिम्स में बैठते हैं तो उसमें से केवल लगभग 15,000 बच्चे जो हैं वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो फिल्टर होता है पूरे प्रोसेस में वो प्रीलिम्स का होता है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो जाते हैं मेंस के एग्ज़ाम की तरफ, जो लगभग 3-3.5 महीने के बाद होता है। उसमें 4 अलग अलग पेपर्स होते हैं, जिसमें जीएस होता है, ऑप्शनल होता है, निबंध होता है, लैंग्वेज होती है, एथिक्स होता है। लिखित पेपर क्लियर जो बच्चे कर लेते हैं उनका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है और इंटरव्यू के बाद आईएएस के अंदर मोटा मोटा लगभग 150 से 180 के बीच में बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो जो हम सक्सेस रेशो की बात कर रहे हैं वो काफ़ी एडवर्स है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आप अंदाज़ा लेके चलें कि 6 से 7 लाख में से लगभग 150 लोग। सर आपको लगभग कितना समय लगा तैयारी करने में? आपने कितने साल तक तैयारी की आईएएस को पास करने के लिए? आईएएस की मेरी तैयारी जो है लगभग 3 साल लंबी थी। मैंने आईएएस की तैयारी शुरू करी थी अपने कॉलेज के 3rd ईयर में। मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ रुड़की से, तो अपने 3rd ईयर में मैंने जब तैयारी शुरू करी तो 2 साल तो कॉलेज के थे जो तैयारी के थे। कॉलेज से पास आउट होके इमीडिएटली मैंने अपना पहला अटेम्प्ट अगले महीने दे दिया था। पहले अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक सिलेक्शन हो गया था। इंटरव्यू के बाद आई डिड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, अंतिम सूची में मेरा नाम नहीं आया था। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट जो था वो पूरा प्रोसेस लगभग 1 साल का होता है, तो वो 1 साल और था। सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। सर आपने आईआईटी रुड़की से क्या किया है? मैं बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जी सर, आप आईएएस की जब चयन परीक्षा में पास हो गए उसके बाद आप लोगों की किस तरह की ट्रेनिंग होती है? चूँकि लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने का सपना हर बच्चे को होता है, लेकिन आपने बताया कि बहुत कम बच्चे ही इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद आप लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? सिविल सर्विसेज की तैयारी में एक कॉमन एलिमेंट जो हम सबकी ज़िंदगी में होता है वो ये होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हम सब की बहुत कम हो जाती है। ज़्यादातर समय जो है वो बैठ के पढ़ाई करने में जाता है और बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की टेंडेंसी होती है। सिलेक्शन के बाद हम लोगों का जो प्राइमरी ट्रेनिंग होती है वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में होती है और मसूरी का एक सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि वो हिली टेरेन है और जो एकेडमी है वो एक हिल रेंज के ऊपर, माउंटेन रेंज के ऊपर बसी हुई है। तो फिज़िकल एक्टिविटी में जो इजाफा होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। मसूरी के अंदर जो एलिमेंट है ट्रेनिंग में, एलिमेंट्स वही हैं, सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं तैयारी के लिए, जीएस पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लॉ पढ़ाया जाता है, बट उन सारे सब्जेक्ट्स को एक प्रैक्टिकल ट्विस्ट दिया जाता है। वो जो हम थ्योरी और एकेडमिक्स पढ़ते हैं उसमें रियल लाइफ सिचुएशंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो असल ज़िंदगी में चैलेंजेस आ सकते हैं किसी अधिकारी को, उनके उदाहरण देके उन सब्जेक्ट्स को थोड़ा विस्तार से बताया जाता है। बट जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो ये होता है कि मसूरी में फ़िज़िकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ट्रैकिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इतना मूवमेंट होता है कि व्यक्ति मेंटली फिट होने के साथ साथ फिज़िकली भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सर आप लोग आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद जब फील्ड पे आते हैं तो आम लोगों को ये पता होता है कि जो आईएएस होते हैं वो जिला पंचायत सीईओ या आयुक्त नगर निगम, उनकी पहली पोस्ट होती है, या आईपीएस जो होते हैं वो एसडीओपी से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है।
तो बेसिक लेवल की क्या तैयारी वहाँ नहीं होती है मसूरी में? मसूरी में जो हमारे पहले 3 महीने की ट्रेनिंग होती है उसको हम लोग फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये होता है कि जितनी भी सर्विसेज हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इनकम टैक्स, एक्साइज, सभी सर्विसेज के लोगों को एक साथ 3 महीने के लिए मसूरी में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। उस एक्सरसाइज के 2-3 पर्पसेस होते हैं। एक तो सर्विसेज में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, और सर्विसेज में एक सॉलिडारिटी होना, एक आपसी समझ होना, उसका एक पर्पस ये होता है। बेसिक कोर्सेज हमको उसमें पढ़ाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, लॉ होगा, ऐसे कुछ बेसिक कोर्सेज लैंग्वेजेस के साथ पढ़ाए जाते हैं। एक इसमें हमारा हाई पॉइंट होता है जिसको हम ट्रैक बोलते हैं। 3-4 रूट्स हैं जिसके ऊपर ट्रैक कराया जाता है मसूरी के अंदर फॉर फिज़िकल फिटनेस। 3 महीने के इस कोर्स के बाद हम लोगों का डिपार्चर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हो जाता है। पुलिस सर्विसेज के जो लोग हैं वो हैदराबाद चले जाएंगे, और रेवेन्यू सर्विसेज के लोग के भी 2-3 अपने अलग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ चले जाएंगे अपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर उसके बाद चरण आता है विंटर स्टडी टूर का। विंटर स्टडी टूर को आमतौर पर लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में भारत दर्शन बोलते हैं। भारत दर्शन हमारा लगभग 2-2.5 महीने का होता है, जिसके अंदर अलग अलग रूट्स पे सभी अधिकारियों को पूरे हिंदुस्तान भर के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाता है, और वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे नागपुर में हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर पे बहुत अच्छा काम हो रहा हो, कश्मीर के अंदर आर्मी अटैचमेंट हो सकता है, विशाखापट्टनम के अंदर नेवी का अटैचमेंट हो सकता है, ग्वालियर के अंदर एयरफोर्स का अटैचमेंट हो सकता है, टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे ज़्यादा हैं, जहाँ लोगों का फुटफॉल है, ऐसी जगहों का अवलोकन हो सकता है। सिमिलरली जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हो उस जगह को इन्वॉल्व किया जा सकता है। कोशिश ये की जाती है कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, हर जगह का एक ना एक रिप्रेजेंटेटिव ज़िला या राज्य हम लोगों को दिखाया जाए। और सिमिलरली आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी हम लोगों का, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ दिनों का इंगेजमेंट रखा जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि पूरे देश भर में जो हमारे सर्विसेज के लोग अलग अलग किस्म के कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, जिसको आप रियल लाइफ चैलेंजेस की बात आप कर रहे थे, फील्ड लेवल की तैयारी कराने की बात कर रहे थे, उसका इनिशिएशन भारत दर्शन के माध्यम से शुरू हो जाता है। वापसी के बाद हम लोगों का लगभग 6 महीने का कोर्स होता है जिसको हम फेज़ 1 बोलते हैं। इस कोर्स के अंदर स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हो सकता है अगर आपका, जैसे मध्य प्रदेश के केस में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है जिसके आधार पर ज़मीनी मामलों का निराकरण किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। सिमिलरली बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको लेके हमारी ड्रिल्स होती हैं, उसको लेके जो कानून के प्रोविजंस हैं, CRPC के प्रोविजंस हैं, IPC के प्रोविजंस हैं, उनके बारे में बातचीत होती है। तो जो ज़मीनी हकीकतों के साथ डील करने के लिए एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो तैयारी के टाइम पे बिल्कुल जिस चीज़ का एक्सपोजर नहीं होता, उस एक फ्लेवर के साथ उन चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। और इसके लिए इसी फील्ड के अंदर जो लॉन्ग टर्म एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे वो लॉ के एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो रिटायर्ड अधिकारी हों, चाहे वो सर्विंग अधिकारी हों जो सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे हों, उनको लेक्चर्स लेने के लिए बुलाया जाता है। तो सर, जब आप लोग फील्ड पे उतरते हैं, पहली बार आपको जिला पंचायत CEO बनाया गया, क्या बनाया गया था पहली बार आप जो फील्ड पे आए? फर्स्ट पोस्टिंग जो होती है हमारी वो एज SDOs होती है। SDM जी। सर, आप एज SDM फील्ड पर उतर आते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, कैसा महसूस करते हैं जब आपको कोई ब्लॉक मिलता है या किसी जिले पे आप जाते हैं? फील्ड पोस्टिंग्स, स्पेशली जो फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग्स होती हैं, वो मेरी समझ से हर अधिकारी की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्षण होता है जब उसको वो पोस्टिंग मिलती है। और एक ऐसा नया जज्बा होता है जब फ्रेश आए होते हैं नौकरी के अंदर, कि वी हैव टू डू समथिंग, क्रिएट अ डिफरेंस। तो वो एक एंथुजियाज़म जो है, जब वो फ्रेश फोर्स मिलता है हम लोगों को, एक मौका मिलता है मौके पे आने का, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। सर, IAS फिर पास करने के बाद क्या ये अनिवार्य है कि हर IAS को कलेक्टर बनाया जाएगा? क्या ऐसा भी आपने कभी सुना है कि कोई IAS कलेक्टर ना बना हो, विभिन्न पोस्टों में रहा हो?
ऑर्डिनरीली आईएएस ऑफिसर्स को कलेक्ट्री मिलती है, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होंगे यदि पोस्टिंग नहीं हो, और पोस्टिंग्स ना होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, इंक्वायरीज हो सकती हैं, कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं इनिशिएट हो जाएं, तो बहुत ही अपवादिक स्वरूप अगर रहे तो ऐसा होता है, नहीं तो ऑर्डिनरीली पोस्टिंग्स मिलती है जी। आपसे अब हम थोड़ा हटकर सवाल करेंगे, वो विद्यार्थियों के लिए सवाल करेंगे जो आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। स्टूडेंट्स को यूपीएससी की तैयारी करते समय सबसे अधिक कठिनाई कहाँ आती है, कहाँ वो सबसे ज़्यादा फिल्टर हो जाते हैं? मेरी समझ से इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा टफ एलिमेंट जो है वो है संयम का। आदमी को जब अपना सवा साल डेढ़ साल इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, जिसको क्लियर करने की गारंटीज निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं होती, तो ये ऐसा प्रिविलेज है जो कई बार ऐसा हम महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति के पास नहीं है। कई बार फैमिलियल प्रेशर्स होते हैं, कई बार इकोनॉमिक प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा अटेम्प्ट देना चाहते हैं बट उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि मजबूरन उनको प्रेपरेशन का काम छोड़ना पड़ता है या पार्ट टाइम प्रेपरेशन करना पड़ता है। तो इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये समय मांगता है। यदि समय आपके पास है तो दूसरी चीज़ जो ये मांगता है वो धैर्य है, और तीसरी चीज़ जो ये मांगता है वो हार्डवर्क है। तो हार्डवर्क को मैं तीसरे नंबर पे रखूँगा इसमें। एक बार क्लैरिटी हो और पेशेंस हो तो इस एग्ज़ाम में निश्चित रूप से बहुत अच्छा किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यदि कहा जाए कि वो किस तरह का शेड्यूल बनाएँ, कितने घंटे हार्डवर्क करें, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? मैं घंटों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि यदि आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कम से कम अपनी ज़िंदगी के 2 साल अलग रखें इसके लिए। प्रेफरेबल ये होगा कि आप ग्रेजुएशन करते समय ही इसके लिए थोड़ा अपना इनिशिएशन शुरू कर दें, तैयारी बेसिक शुरू कर दें अपनी। और सबसे ज़रूरी बात जो इसमें मैं बोलूँगा वो ये होगी कि जो भी शेड्यूल आप बनाते हैं वो शेड्यूल वर्केबल होना चाहिए। कई बार हम थोड़ा ज़्यादा एक्साइट होकर ये कोशिश करते हैं कि हम 14 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है जितना करना था उतना हो नहीं पाता, और फिर आदमी धीरे धीरे करके मोटिवेशन लूज़ करना शुरू कर देता है कि मुझे 5 पन्ने पढ़ने थे, मैं 3 पढ़ पाया, मैं 2 कल पढ़ लूँगा, फिर अगले दिन के भी 2 जुड़ जाते हैं तो वो 4 हो जाते हैं, तो वर्कलोड बढ़ता जाता है। तो अपना शेड्यूल वो बनाएं जो आप एक दिन में कर सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को रोटेट करते चलें, किसी एक सब्जेक्ट के साथ अड़े ना रहे कोई व्यक्ति। अगर रोटेशन होता रहता है तो इंटरेस्ट बना रहता है और ज़्यादा इफेक्टिवली उसको एब्जॉर्ब करके पढ़ाई की जा सकती है। सर एक सवाल, आप अभी आयुक्त नगर निगम सतना की पोस्ट पर हैं, आप भी आगे चलकर कलेक्टर बनेंगे, सर आप जिला पंचायत CO भी रहे, आपने गाँव पर फोकस होकर काम किया, आप शहर पर कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप? ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में जो एक प्रमुख अंतर है, जो भिन्नता है, वो ये है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। सेंस ऑफ अर्जेंसी से मेरा मतलब है कि यदि सड़क को लेके, पानी को लेके या साफ़ सफाई को लेके कोई समस्या है तो वो एकदम से सामने आती है और ये समस्याएं तत्काल एक्शन लेना डिमांड करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि समस्याएँ होती बहुत हैं बट वो स्कैटर्ड होती हैं, तो वो अर्जेंटली नॉर्मली ऑर्डिनरीली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में अर्जेंटली प्रमुखता से सामने नहीं आती। दूसरा जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि जो स्केल है कार्य करने का वो बहुत अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस बजट के अंतर्गत हम कार्य करते हैं उसका एरिया बहुत बड़ा है, और यहाँ पे एरिया बहुत संकुचित छोटा होने की वजह से यहाँ की प्रॉब्लम्स ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। जैसे स्लम का उदाहरण हम लें, जो मलिन बस्तियां हैं वो प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता, वो प्रॉब्लम केवल अर्बन एरियाज़ में होगा, और इस वजह से बड़ी स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जो अर्बन एरियाज़ की अलग होती हैं। हाट ठेला जो लोग लगाते हैं उनकी स्कीम्स डेडिकेटेड अर्बन एरियाज़ के लिए होंगी, हाउसिंग स्कीम्स हमेशा डेडिकेटेड जो स्लम ड्वेलर्स के लिए होती हैं वो अर्बन एरियाज़ के लिए होंगी। ड्रिंकिंग वाटर भी प्रमुखता से, अब तो खैर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी पाइप वाटर सप्लाई शुरू हो गया है, बट प्रमुखता से पाइप वाटर सप्लाई जो होगा अगेन वो अर्बन एरियाज़ में होगा। तो अर्बन एरियाज़ का चैलेंज थोड़ा डिफरेंट है और जो समस्याओं की इंटेंसिटी निकल के आती है वो निश्चित रूप से डिफरेंट है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे सतना नगर निगम कमिश्नर IAS अमनवीर सिंह जी। IAS अमनवीर सिंह जी का कहना है
कि यूपीएससी और आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को हार्ड वर्क करने से ज़्यादा उन्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य से ही कोई भी परिणाम को हासिल किया जा सकता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और एक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त।